हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। दोस्तों, आज मैं आपको बताऊंगी आप किस तरह से एक गिलास पानी के इस्तेमाल से, सिंपल वाटर, सिर्फ एक गिलास के इस्तेमाल से आप किस तरह से इजीली अपना जो वेट है उसको कम कर सकते हैं। इसके अलावा मैं आपको बताती चलूँ दोस्तों, इससे के इस्तेमाल से अगर आप इस रूटीन को, इसे अपनी रूटीन बना लें, सिर्फ़ एक गिलास पानी को, मैं आपको बताऊंगी किस तरह आप इसको अगर दिन में इस्तेमाल करें, कितनी दफ़ा इसको इस्तेमाल करें, तो आप इजीली अपना जो वज़न है, ओवरऑल आपकी पूरी बॉडी का जो वज़न है वो इससे कम होगा। आपका पेट बढ़ा हुआ है या लटका हुआ है, इससे आपके पेट की चर्बी ख़त्म होगी। इसके अलावा आपके कोल्हों की चर्बी है तो वो ख़त्म होगी, रानों की चर्बी है तो वो ख़त्म होगी। मतलब कि इससे आप विदाउट एनी डाइट, विदाउट एनी एक्सरसाइज, इजीली आप घर पर अपने वज़न को कम कर सकते हैं। दोस्तों, ये बहुत ही आसान है, इसमें किसी किस्म की और कोई चीज़ हमने इस्तेमाल नहीं करनी, ना किसी केमिकल वाली चीज़ का इस्तेमाल करना है। सिंपल आपने एक गिलास पानी का लेना है, उसको आपने इस्तेमाल करना है, जिससे आपका वज़न जो है वो ईज़िली कम होगा। दोस्तों, इसके लिए आपको कोई इतनी मशक्क़त करने की ज़रूरत नहीं है, ना ही कोई काफ़ी ज़्यादा ड्रिंक्स बनाने की ज़रूरत है जो कि काफ़ी मुश्किल से बनती हैं और जिन पे काफ़ी टाइम लग जाता है। सिर्फ़ आपने क्या करना है, एक गिलास पानी लेना है, लेकिन आपने पानी जो है वो गर्म लेना है, इतना गर्म लेना है जितना कि आप चाय पीते हैं, यानी जितना आप बर्दाश्त कर सकते हैं। इतना ज़्यादा गर्म भी नहीं लेना कि आपके जो मुँह को वो जला दे। सिर्फ़ आपने एक गिलास पानी लेना है, गरम पानी लेना है, मैं आपको बता रही हूँ, नीम गरम पानी बिल्कुल नहीं, गरम पानी लेना है, इतना गरम पानी जितना आप बर्दाश्त कर सकते हैं, जितना आप पी सकते हैं। उसके अलावा अब आपने इसको पीना कितनी दफ़ा है दिन में, आपने इसको 3 दफ़ा पीना है दिन में। सबसे पहले आपने इसको सुबह नाश्ते से पहले लेना है, सुबह नाश्ते से पहले आपने एक गिलास गर्म पानी का लेना है। मैं आपको इस तरह से नहीं कह रही कि आप एकदम से पूरा ग्लास जो है वो ख़त्म कर दें, आप थोड़ा थोड़ा करके पिए, जिस तरह से आप चाय पीते हैं उसी तरह से आपने इसको पीना है, क्योंकि ये बहुत गर्म होगा इसी वजह से। इसके अलावा एक गिलास आपने सुबह नाश्ते से पहले लेना है, एक गिलास आपने दिन को खाने के बाद लेना है। नाश्ते से पहले लेना है पहले, उसके बाद दिन को जब आप खाना खाते हैं उसके बाद आपने, फ़ौरन बाद नहीं कह रही मैं, थोड़ी देर के बाद आप, क्योंकि फ़ौरन बाद खाने के पानी नहीं पीना चाहिए। तो खाने से आपने थोड़ी देर के बाद, तकरीबन 15 से 20 मिनट के बाद आप एक गिलास गर्म पानी का लेंगे। उसके अलावा तीसरा जो गिलास है आपने रात को लेना है। दोस्तों, रात को आपने खाने के बाद लेना है, रात को भी आपने खाने के बाद लेना है, फ़ौरन नहीं लेना, 15 से 20 मिनट का वेट करें, उसके बाद आपने जो है एक गिलास गर्म पानी का लेना है। इससे क्या होगा, आपका जो मेटाबॉलिक सिस्टम है वो काफ़ी तेज़ होगा। अक्सर लोगों का जो मेटाबॉलिक सिस्टम है वो काफ़ी लो होता है, या अक्सर लोगों का काफ़ी हाई होता है। इसी वजह से कहते हैं कि हम, कोई कहते हैं कि हम जितना खा लें मोटा मोटे नहीं होते, और कुछ लोग कहते हैं कि हम थोड़ा सा खा लें और हम जो है वो जल्दी से मोटे हो जाते हैं। तो इसकी सिर्फ यही वजह होता है कि कुछ लोगों का जो मेटाबॉलिक सिस्टम है वो काफ़ी तेज़ी से वर्क करता है, और कुछ लोगों का काफ़ी जो है वो टाइम लगाता है, जिसकी वजह से उनके जो खुराक है वो सही तरह से हज़म नहीं हो पाती, और उनका वेट जो है वो जो कुछ खाते हैं वो फैट में कन्वर्ट हो जाता है और उनका वज़न काफ़ी बढ़ जाता है। इसी वजह से मैं आपको यही रिकमेंड करूँगी, आपने वाटर लेना है, सिंपल वाटर, गर्म पानी, अगर आप इसको इस्तेमाल करें तो इससे आपका मेटाबॉलिक सिस्टम काफ़ी तेज़ होगा, आपका वज़न काफ़ी तेज़ी से कम होगा। आपने इसको रूटीन बना लेना है, आप देखेंगे कि सिर्फ इसी एक गिलास पानी के इस्तेमाल से काफ़ी लोगों ने अपना जो वज़न है उसको कम किया है इजीली। किसी एक्सरसाइज, उन्होंने कोई एक्सरसाइज नहीं की, किसी किस्म की कोई उन्होंने वॉक नहीं की, वर्जिश नहीं की, ना ही किसी किस्म के कोई डाइट प्लान उन्होंने रखा है। सिर्फ इसी रूटीन को फॉलो करें आप, दिन में 3 बार एक गिलास गर्म पानी का लेना है, और आप ज़रूर ट्राई करके देखें, फिर मुझे बताएं, इंशाल्लाह आपको इससे बहुत अच्छे रिजल्ट मिलेंगे, क्योंकि इसी रूटीन की वजह से काफ़ी लोग ने अपना वज़न जो है वो कम किया है। इसको आप रूटीन बना लें, कोई इतनी मुश्किल चीज़ नहीं है। इसके साथ साथ आपका वज़न कम होगा, वज़न कम होने के साथ साथ आपका जो स्किन है वो काफ़ी ग्लोइंग बनेगी, क्योंकि पानी पीने से हमारी स्किन काफ़ी ग्लोइंग बनती है। ज़्यादा से ज़्यादा दिन में, वैसे भी आप कोशिश किया करें पानी ज़्यादा पिया करें, अगर हम गर्म पानी का इस्तेमाल करें तो इससे हमारी स्किन भी काफ़ी ग्लोइंग और क्लियर होगी। तो आप इसको ज़रूर ट्राई करके देखें, इससे बहुत ज़्यादा जो है इसके फ़ायदे हैं हमारी स्किन के लिए, हमारी हेल्थ के लिए, हमारे वेट लॉस के लिए। तो दोस्तों, प्लीज़ इसको ट्राई करें और मुझे बताएं आपको कैसी लगी है मेरी ये छोटी सी टिप। इसको फॉलो करें आप, तो इजीली आप इसको बहुत जो है ज़्यादा आपको फ़ायदा मिलेगा इस छोटी सी टिप को, अगर आप फॉलो करके देखें। एंड थैंक यू सो मच फ्रेंड्स, अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी हो प्लीज़ इसको लाइक और शेयर करें, एंड मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें। अल्लाह हाफिज़।